हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और यू आर वाचिंग माय चैनल विकी बोलता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, या फिर अगर आप पहले भी देख चुके मेरा चैनल तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 23 प्लेसेस टू चिल आउट विद योर फ्रेंड्स इफ यू आर इन द साउथ कैंपस ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर उसके आसपास। और नाउ 23 ही क्यों, बिकॉज 23 इज माय बर्थडे, 23rd August, डोंट फॉरगेट टू विश मी। नाउ दैट्स अ जोक, मजाक कर रहा हूं यार भाई। जितनी प्लेसेस मिली लिस्ट बना दी मैंने, उसको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है, चिल, हिस्ट्री, फूड और फन। इनमें से आपको सबका मिला जुला के बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह बताऊंगा, वहां पे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर जाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ चिल कैटेगरी की 5 जगह। इसमें सबसे पहली जगह है पुराना किला। भाई पुराना किला बहुत ही बढ़िया जगह है, जहाँ पे आप अपने रिलैक्सिंग वॉक ले सकते हो, मजा आ जाएगा। यहाँ पे एक लेक भी है जिसमें पहले बोटिंग हुआ करती थी, अब नहीं होती है, लेकिन कोई बात नहीं, वहां पे जाओ मजे करो, बहुत बढ़िया जगह, आपको मजा आने वाला है। दूसरी जगह यहाँ पे है संजय वन। ये हाइक करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पे आप जो ग्रीनरीज है, वाइल्ड लाइफ है, उनको एक्सप्लोर करते हुए घूम सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग स्पोर्ट्स वगैरह मिलेंगे और लेक वगैरह बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे संजय वन में। आपको यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है, जरूर जाना, पूरे मजे करके आना। थर्ड है यहाँ पे गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। यहाँ पे आधा ये रॉकी हिस्से पे बना है, आधा प्लेन हिस्से पे बना है, 20 एकड़ की जमीन है यहाँ पे, और आपको बहुत सारी वैरायटी मिलने वाली है, फूलों की, पत्तों की, पौधों की, फ्लोरा की, इतनी वैरायटी है कि आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हो, चिल आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको वाटर के फाउंटेन्स भी मिलेंगे, लेक्स मिलेंगे, तो पूरा मतलब बेसिकली मजा आपको बहुत आएगा। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस जरूर जाना। और फोर्थ है इसमें आर्ट फैकल्टी ऑफ द साउथ कैंपस। ये नॉर्थ कैंपस में भी ऐसी, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। जब भी आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्टूडेंट्स अपने दोस्त के साथ चिल करते हुए जरूर मिल जाएंगे, तो ये यहाँ पे भी आप जरूर जा सकते हैं। एंड फिफ्थ जो आखिरी प्लेस है इसमें, वो है सतपुला ब्रिज। अभी ये है कहाँ पे, देखो जो साकेत के जो मॉल्स वगैरह है उसके सामने यहाँ पे है। ये कोई जगह ना बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं, इसीलिए ये आपके पिकनिक के लिए बहुत बढ़िया स्पॉट बन जाता है। तो अपने दोस्त के साथ जाओ, आराम से टाइम स्पेंड करो, ज्यादा आपको भीड़ भी नहीं मिलने वाली है। तो ये थी ऐसी 5 प्लेसेस चिल कैटेगरी की। अब बात करते हैं हिस्ट्री कैटेगरी की। यार हिस्ट्री लवर्स है ना, तो आपको ये 5 जगह जरूर देखनी चाहिए। तो 6 प्लेस जो हमारी इस लिस्ट में आती है वो है तुगलकाबाद फोर्ट। अब ये क्या है यार, गियासुद्दीन तुगलक ने 1321 में बनाई थी, बाकी की हिस्ट्री गूगल पे देख लेना, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ पे इवन फोटोग्राफी जो है आप कर सकते हो, आप बढ़िया बढ़िया फोटोज यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको मेरी तरह फोटोज लेने का बहुत शौक है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर डालने का भी, तो यहाँ पे आप जाना, आपकी बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोज आएंगी। बाकी हिस्ट्री से रिलेटेड प्लेस है तो आपको घूमने में भी मजा आएगा, देख सकते हो यहाँ पे। तो बाकी अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो, विशेष_गोयल, ठीक है। तो ये हो गया तुगलकाबाद फोर्ट, ठीक है। अब 7th यहाँ पे है कुतुब कॉम्प्लेक्स। भाई यार आपको कुतुब मीनार उसके आसपास का जो एरिया है, अगर आपने वो मूवी देखी है फना, उसका जो गाना है ना सुना होगा आपने, चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी, हमारी जो ये तुम्हारी, वो यहीं पे गाना शूट हुआ है और बहुत ही बढ़िया जगह है। वहाँ पे जाओगे आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है, तो एरिया बढ़िया है, तो आप वहाँ पे भी जरूर घूम सकते हो। एंड हाँ, आपकी जो रोमांटिक डेट्स हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया लोकेशन है। और इस लिस्ट में 8th है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। हिस्ट्री जिनको बहुत पसंद है, और दूसरा कि जिनको वो हॉन्टिंग यू नो रूमर्स वगैरह बहुत पसंद है, उनके लिए बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पे आप जा सकते हो, 200 एकड़ से बड़ी जमीन है ये। यहाँ पे आपको 100 से ज्यादा से ऑड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो सेंचुरीज के ऊपर सेंचुरीज में बिल्ड किए गए थे। बहुत बढ़िया जगह है, घूमोगे मजा जरूर आएगा। तो जितनी भी आपको जगह बता रहा हूँ ना, मैं आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आपको शॉर्ट में बता रहा था कि मुझे ज्यादा लंबी ना हो। आप गूगल पे इनके बारे में और रिसर्च कर सकते हो, जो भी जगह आपको पसंद है उसके बारे में। 9th है हुमायूं टॉम, ये आपने सुना जरूर होगा। यहाँ पे अगर आपको मुगल एम्परर मतलब एक और कोई बढ़िया सा स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ पे आपके देखने को मिलता है, ताजमहल जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप घूम सकते हो, वॉक कर सकते हो, बहुत बढ़िया जगह है, तो हुमायूं टॉम जरूर जाना। और जो 10th एंड लास्ट प्लेस है हिस्ट्री कैटेगरी की, वो है अग्रसेन की बावली। अब यार ये जगह आपने जरूर देखी होगी, असल में नहीं देखी तो मूवीज में तो जरूर देखी होगी। जब हिस्ट्री जिनको पसंद है और जिनको मूवीज पसंद है उनके लिए बहुत बढ़िया जगह है। और यहाँ पे एक अभिषेक बच्चन प्रीति जिंदा की मूवी आई थी झूम बराबर झूम, उसका एक गाना था बोल हल्के हल्के, वो यहीं पे शूट किया गया था। और जो पीके मूवी है आमिर खान अनुष्का शर्मा वाली, उसमें भी ये जगह दिखाई गई थी, जब आमिर खान चौधरी डायलॉग बोलता है कि हम अग्रसेन की बाहुली में रहता हूँ ऐसा करके गुस्सा, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया जगह है।
आपको जा सकते हो, मजा आएगा। ठीक है, हिस्ट्री कैटेगरी पूरी हो गई, अब चलते हैं फूड की तरह। भैया जिनको खाना बहुत पसंद है आपके और मेरी फूडीज की तरह, तो यहाँ पे आपको कुछ मैं 8 जगह बता रहा हूँ, जरूर जाना। सबसे पहले बात करते हैं SDA मार्केट की, IIT दिल्ली के पास है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिली यार, यहाँ पे कबाब कड़ी वगैरह बहुत टेस्टी देखने को मिलता है, कॉकटेल बियर वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो यहाँ पे जा सकते हो, बहुत मजा आने वाला है खाने। 12th नंबर पे आप आते हैं डोलमा आंटी मोमोज। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, आपने ये नाम जरूर सुना हुआ होगा। लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट में वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोमोज का ठेला यही है, और यहाँ पे बहुत स्वादिष्ट मोमोज मिलते हैं। अगर कुछ कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं इसके मोमोज इतने स्वादिष्ट नहीं है, तो बस सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जाके टेस्ट जरूर कर सकते हो, बाकी बहुत फेमस है यहाँ के मोमोज। और फिर से एक और मूवी का बता देता हूँ आपको, एक मूवी क्वीन आई थी वो इसके आसपास ही शूट करी गई थी, जहाँ पे कंगना रनौत गोलगप्पे वगैरह खाती है, लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट में वो उसका शूट वगैरह हुआ था, तो बढ़िया है। यहाँ पे आप जाके मोमोज जरूर ट्राई कर सकते हो, पसंद आए ना है वो तो बात की बात है, ट्राई जरूर कर लेना। और इसके बाद 13th पे आती है दिल्ली हाट। ये पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है जगह, मैं यहाँ पे बचपन में बहुत गया हूँ। यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आपको बहुत देखने को मिलती है, और साथ ही साथ आप कहीं से भी हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, आपके लिए यहाँ पे खाना जरूर मिल जाएगा। अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्यों यहाँ पे फूड आउटलेट्स बने हुए हैं आपको, और सिर्फ फूड के लिए ही नहीं बात होती है, यहाँ पे हर चीज की बात है। आप हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह देखोगे, कपड़े वगैरह देखोगे, हर चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और बहुत बढ़िया जगह है। तो मेरे को तो बहुत पसंद है यहाँ पे जाना, इतना गया हुआ है कि बस अलग ही बात है। तो यहाँ पे आप जरूर होके आना दिल्ली हाट, मतलब जब येलो लाइन पे स्टेशन पड़ते दिल्ली हाट आइए, वहीं से आप उधर भी जा सकते हो, बहुत बढ़िया जगह है, जरूर जाना। 14th पे यहाँ पे हम बात करते हैं शाहपुर जाट की। अब ये बहुत एक फेमस जगह है यहाँ पे आप, और ये जो शाहपुर जाट है और जो कॉफी डेट्स हैं साथ साथ चलती हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारे बुटीक्स भी हैं, वेडिंग की शॉपिंग भी होती है, पर चलो आप कॉलेज स्टूडेंट्स को उससे क्या लेने देना, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं खाने पीने की। यहाँ पे जाओ अब खाना पीना पूरा करो, मजा आए। और सिर्फ खाना पीने नहीं, आपको इंस्टा के लिए बढ़िया बढ़िया फोटोज भी यहाँ पे क्लिक करवा सकते हो, तो शाहपुर जाट जरूर जा सकते हो। अब 15th नंबर पे आता है हौज खास विलेज। यहाँ पे भी आपको बहुत बढ़िया है, इसके एंट्री पॉइंट पे आपको एक ठेले वाला मिलता है जो एग रोल वगैरह देता है, बहुत फेमस है। खैर अगर आप एग नहीं खाते हो तो छोड़ दो, बाकी जो एग खाते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। मतलब मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं नहीं खाता है, तो वरना सुना है इसके बारे में। और तमाशा मूवी का वो जो गाना है, अगर तुम साथ हो, यहीं पे शूट हुआ है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया जगह है, यहाँ पे आप जरूर जा सकते हो। और 16th है यहाँ पे निजामुद्दीन लेन, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कबाब कोफ्ता है तो मिलता है कि भाई बस बहुत ही बढ़िया मिलता है, और पॉकेट फ्रेंडली भी रहता है, तो निजामुद्दीन लेन जाओ, खा भी के आओ, बढ़िया है ये भी, ठीक है। ओके, जो 17th है यहाँ पे वो जो ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन है, उसके पास आपको जो स्टॉल्स मिलते हैं फूड स्टॉल्स, वहाँ पे आप बहुत बढ़िया खाना मिलता है, गरम गरम पराठे हो या कुल्लर वाली चाय, बस मजा आ जाता है। बस उतर के आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिलते हैं, तो वो भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। और फूड में लास्ट है 18th सत्यनिकेतन मार्केट। अब जो यार उसके पास तो जो कॉलेज है साउथ कैंपस के, ARSG वेंकटेश्वर, आर्यभट्ट, रामलाल, मोतीलाल, वो तो बिल्कुल सामने ही है सत्यनिकेतन के। तो सत्यनिकेतन की अगर आप मार्केट में जाते हो तो अंदर एक चाय वाला है, अगर उधर जाते हो तो वहाँ पे आपको कॉलेज स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ चाय पीते हुए गारंटीड मिलेंगे, किसी भी टाइम चलेंगे, ये गारंटी है, मैं गया हूँ उधर। तो मतलब वहां पे जाकर आप चाय जरूर पी सकते हो। सत्यनिकेतन मार्केट बहुत घूमे, कितना खुश है सत्यनिकेतन मार्केट में घूमने को, इतने कैफे वगैरह है, अच्छे से खा भी के आओ, ठीक है। सत्यनिकेतन मार्केट जरूर जा सकते हो। तो फूड यहाँ पे खत्म होता है, लास्ट में बात करता हूँ फन टाइम की। इसमें से कुछ 5 मैं आपको जगह बताने वाला हूँ, मजा है। तो 19th प्लेस है रॉक क्लाइंबिंग। अब ये जो सत्यनिकेतन में आपको होता है, उधर ही आपको जो रोड है वहां पे आपको एक मिलता है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, वहां पर जाओ रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, बहुत मजा आएगा। अगर आप उस लेन के जो भी मेरे 5 कॉलेज बताए तो आप उधर जाते जाते आपने गारंटी देखा होगा, खासकर अगर आप मोतीलाल, रामलाल, आर्यभट्ट वहां से आते जाते ये इसको जरूर देखा होगा, यहाँ पे जा सकते हो रॉक क्लाइंबिंग करना, मजा आएगा। 20th है साइकिलिंग नियर सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, बहुत मजा आएगा, यहाँ पे आप साइकिलिंग करो, ज्यादा आपको भीड़ भी नहीं देखने को मिलेगी गाड़ियों की, तो मजा आएगा। तो 21st क्या है ड्रम सर्कल्स, यहाँ पे रैंडमली लोग ऐसे घूमते हुए ड्रम्स वगैरह बजाते रहते हैं, तो अगर आपको ड्रम बजाने का क्या, अपना इंस्ट्रूमेंट उठाओ और चल दो यहाँ पे, मतलब ऐसे ना लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते घूमते हैं, ऑल्टरनेट सैटरडेज पे घूमते हैं। डियर पार्क है रिकॉर्ड थी, हाँ और बिंदु मार्क, डियर पार्क और बिंदु मार्क पे ऑल्टरनेट सैटरडेज पे यहाँ पे आपको ये इसका मजा उठा सकते हो, कैजुअल एनवायरमेंट में ऐसे लोग ड्रम वगैरह बजाते हुए घूमते हैं यहाँ पे,
तो इसका भी आप मजा ले सकते हो। 22nd है संडे बुक मार्केट आसफ अली रोड पे। बुक्स का आपको शौक है यहाँ पे जाओ, बुक्स ही बुक्स देखिए मजा आएगा यहाँ पे, यहाँ पे जरूर जा सकते हो। और इस लिस्ट का 23rd एंड लास्ट स्पॉट है डियर पार्क। यहाँ पे जाओ, फ्रेश एयर का मजा लो, नेचर का मजा लो, और इतना ध्यान रखना या आपका वेलकम करने के लिए वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं डियर्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत मजा आएगा, नेचर की ब्यूटी वगैरह है। तो ये थी यार मेरी रिकमेंडेशंस, ऐसी 23 प्लेसेस जहाँ पे अपने दोस्त के साथ जा सकते हो इफ यू आर इन साउथ कैंपस। तो कैसी लगी वीडियो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना, लाइक कर ही देना, बिना लाइक के तो जाना मत। और सोच रहा हूँ नॉर्थ कैंपस की भी वीडियो बनाऊ, तो मेरे को जरूर नीचे कमेंट्स में बताना, बाकी अपना रिव्यू जरूर से दे देना। और अगर पसंद आया है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी तो बताओ कि हम यहाँ घूमने जाने वाले हैं अपनी कॉलेज लाइफ में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं बताऊँ अपनी एक वीडियो, तब तक ले टाटा बाय, थैंक यू।